और खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि गोविंदपुरा में अगवा कर युवक की हत्या कर दी गई थी और अब इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद आरोपी और मृतक में विवाद हुआ था। आरोपियों ने युवक से मारपीट की घटना की थी। मारपीट के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 वीडियो आप सभी के सामने है। एक तरफ आप मृतक की तस्वीर देख रहे हैं, आरोपियों की तस्वीर देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिससे युवक की मौत हो गई थी। हत्या के आरोपियों की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। मारपीट के दौरान युवक की मौत हो गई थी और खबर राजधानी भोपाल की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई है। हरप्रीत, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, ये एक सनसनीखेज मामला राजधानी भोपाल के उस जगह से आया है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, लोगों की आवाजाही रहती है। सरेआम जो मृतक है उसको यहाँ से उठा के ये युवक ले गए थे और उसके बाद कुछ दूरी पर आगे जाकर उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया था। जैद नाम का ये लड़का है, ऑटो चलाता है। सोमवार की रात ये लड़का सवारियों के लिए यहाँ से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों से उसका विवाद हुआ था। मौके पर ही युवकों ने उसे बुरी तरह मारा था और करके अपने और दोस्तों को भी बुला लिया था, जिसके बाद मौके से ही अपहरण करके वो जैद को उठा के ले गए थे और एक कमरे में बंद करके उसको हथियारों से बुरे तरीके से मारने के बाद उसकी लाश को कंबल में छुपाकर कल उन्होंने गोविंदपुरा इलाके में फेंक दिया था। आमजनों ने उस लाश को देखा था, पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद परिजन पहुंचे थे और पता चला था कि ये जैद है। फिलहाल इन 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीबन 4 युवक और आरोपी है जो फरार है और ये सभी युवक जो आरोपी है ये फल बेचने वाले हैं और इन्होंने 22 साल के जैद को सरेआम मारा और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के लिए भी ये मामला बड़ा चुनौती बना था। हरप्रीत, भले ही आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो एक बड़ा सवाल आम जनता के मन में भी आता है कि दिन दहाड़े बीच सड़क से किसी को किडनैप कर लेना और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार देना, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी चरमराई हुई। और इसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी कि बदमाशों के हौसले बड़े बुलंद हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पुलिस के लिए मामला चुनौती बना, सनसनीखेज मामला, और जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है, जहाँ पर मारपीट की गई है, उससे कुछ दूर पहले ही भोपाल शहर का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है जहाँ पे आवाजाही रहती है, हजारों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वहीं पर ही ये झगड़ा हुआ और सरेआम ये लड़के इस ऑटो चालक को बुरी तरह मार रहे थे, लेकिन राह से निकलते लोगों ने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही मौके पर पुलिस मौजूद थी। तो समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था किस कदर राजधानी भोपाल में मुस्तैद है कि एक युवक को सरेआम उठा कर ले जाया जाता है, पहले मौके पर मारा जाता है और उसके बाद उसको इतने जख्म दिए जाते हैं कि उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसे कंबल में लपेट कर किनारे पर सड़क के फेंक दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी इस मामले के 4 आरोपी फरार हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हरप्रीत। तो देखिए, इस खबर में भी एक बात जो सामने आई है कि बीच सड़क पर मारपीट हो रही थी, लेकिन किसी ने भी ना तो रोकने की कोशिश की, ना तो किसी ने पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की। और ऐसे ही कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर बीच सड़क में मारपीट होती है, बीच सड़क में मर्डर होता है और लोग तमाशबीन खड़े रहते हैं। हम ये मानते हैं कि आप सीधे जाके, हो सकता है कि आपको भी डर हो कि लोग आप पर हमला कर देंगे और ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, तो आप सीधे तौर पर जाकर बीच बचाव नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप पुलिस को जरूर इत्तला कर सकते हैं। जहां पर ये मारपीट हो रही है वहां की जानकारी आप पुलिस को जरूर दे सकते हैं और हो सकता है इससे किसी की जान बच जाए।